भारत। विविधता का दर्पण। एकता की मूरत और लोकतंत्र की जननी। यहां गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण हैं वेदों में, वैशाली की गण परिषद के उत्कोचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरूर के शिला लेखों में वर्णित, चोल साम्राज्य की पंचायत व्यवस्था में, उनकी गणम और वार्यम व्यवस्था में, भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंटपम की धारणा में। गण, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी। यहीं पर हमारा संविधान रचा गया। आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार विमर्श की तंदुरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद भवन। समय के साथ यहां पर्याप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था। आधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो रहा था। ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को महसूस किया, पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नवनिर्मित भवन की आधारशिला रखी गई। 2.5 वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फैले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से निर्माण कार्य पूरा किया गया, जो अपने आप में कीर्तिमान है। भारतीयों द्वारा भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। नए भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के पूरक होंगे। इस भवन में प्रवेश के 6 द्वार हैं, जो भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस यानी जल को नमन, शार्दुल और गरुड़ यानी नभ को नमस्कार, अश्व और गज यानी थल को प्रणाम, संसद के नए भवन का नया विराट लोकसभा कक्ष, जो राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है। जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग 1.5 गुना बड़ा है।
ये भवन देश की जनता को समर्पित है। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है। अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते हैं। यहां सदन की कार्यवाही को विभिन्न भाषाओं में सुना और पढ़ा जा सकता है। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है। वोटिंग के परिणाम और सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टीमीडिया डिस्प्ले, ऑटोमैटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। इस भवन के एक भाग में लोकसभा है, दूसरे में राज्यसभा, और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतीय को, जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है संविधान कक्ष, जहां वे भारत में लोकतंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। यहीं भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है। इसी सेंट्रल फॉयर में ऊपर की त्रिकोणीय छत से सूर्य की किरणें ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए पेंडुलम क्लॉक पर गिरती हैं। ये किरणें बरगद के पेड़ को नहलाती हैं और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकालय, भोजन कक्ष में फैल जाती हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्माण में भारत के हर भाग ने अपनी भागीदारी निभाई है। कहीं महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी सजी है, उन्हीं से दोनों सदन में अशोक चक्र भी बना है। कहीं राजस्थान का शानदार स्टोन वर्क, कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिछी है, कहीं त्रिपुरा की बैम्बू वुड फ्लोरिंग, वहीं सफेद मार्बल गुजरात से आया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों प्रांतों ने मिलकर बनाया है ये भवन। ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। 1700 से अधिक दरवाजे खिड़कियां हैं, 3.5 किलोमीटर लंबे बिल्डिंग कॉरिडोर्स हैं। ये भवन विकास और विरासत का अद्भुत संगम है। एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्स और स्मार्ट एक्सेस की व्यवस्था है, वहीं भारत की प्राचीन कलाओं का अद्भुत एकीकरण भी है। तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। नए भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाता, विकसित भारत के संकल्प को गति देता, ये है हम भारतीयों का संसद भवन।